स्टूडेंट्स, यू आर इन क्लास 11th. नाउ ऑल ऑफ यू अगेन वेलकम थ्रू द एकलव्य इंटरनेशनल अकेडमी. यू आर हैविंग द स्ट्रीम लाइक साइंस मैथ, साइंस बायो, ह्यूमैनिटीज और मे बी आर्ट्स और मे बी कॉमर्स विद इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस. तो स्टूडेंट्स, बिफोर दिस वीडियो I will say something about your stream. Whatever is to be selected by you during this lockdown, you make your mind what stream is to be taken. So first, जब आपने stream select कर ली तो students guys, ये ध्यान रखो कि हमें अपना एक motivation, अपना एक goal भी directly decide करना है. According to this goal, we have to determine that what should we will make in our future. हमें बनना क्या है, हमारा aim क्या है, हमारा goal क्या है, ये हमें अभी डिक्लेयर करना है, प्लान बनाना है. उस प्लान के अकॉर्डिंग वी वुड लाइक टू वर्क रेगुलरली. वी टेक ओथ टू हिमसेल्फ. आपको अपने आप से ओथ लेनी है कि मुझे ये करना है. अब आपको कोई पेरेंट्स के कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स या बेटा आपको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है. दिस इज नॉट मैटर, दिस इज द मैटर ऑफ ए स्टूडेंट. स्टूडेंट इट सेल्फ जस्ट दैट ही हैज टू स्टडी फॉर हिमसेल्फ. सो फर्स्ट गाइज, हमने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया. तो अब आप ये जान लें कि कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी कमज़ोर नहीं होता है. एवरी सब्जेक्ट हैज हैविंग द सेम पोटेंशियल. सो वी हैव टू डू वर्क इन ए प्रॉपर मैनर, नंबर वन. नंबर टू, आपके टीचर्स ने ड्यूरिंग वीडियो जो कंटेंट आपको दिया गया है, उस कंटेंट को प्रॉपरली पढ़ना है, प्रॉपरली स्टडी करनी है. यू जस्ट गो थ्रू विद इट रेगुलरली इन ए प्रॉपर मैनर, इन ए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे. यू जस्ट मेक ए नोट्स इन योर होमवर्क कॉपीज विथ ए प्रॉपर प्लानिंग. जो गाइडेंस टीचर आपको ड्यूरिंग वीडियो दे रहा है, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट इंटीमेशन, बिकॉज दीज आर द करियर बिल्डिंग क्लासेज. इफ यू इग्नोर दैम, देन यू विल बी ऑलवेज फीलिंग लैकिंग इन योर फ्यूचर. नेक्स्ट थिंग, हम ये बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट सेलेक्शन हो गया, स्टडी हमें करनी है. तो अब एक आपका जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है उससे रिलेटेड मटेरियल, अगर स्टडी मटेरियल बुक्स रिलेटेड अगर बात करें, तो जिन स्टूडेंट्स के पास में प्रीवियस ईयर्स की 11th की CBSE की बुक्स होती है वो वहाँ से ले लें, और नहीं ले पा रहे हैं तो NCERT की साइट पर जाएं, www.ncert.nic.in पर जाएं, और वहाँ पर आप ई बुक्स पर क्लिक करें. देर आफ्टर वहाँ पर आपकी क्लास 1 to 12th में PDF रखी हुई है, वहाँ डाउनलोड उस पर क्लिक करें. तो वहाँ क्लास वाइज आपका सब्जेक्ट, क्लास और बुक का नेम फिल करना है. देर आफ्टर वहाँ पर PDF चैप्टर वाइज ओपन होगी, तो उनमें से आप जिस चैप्टर की क्लास और ड्यूरिंग वीडियो चल रही है उसका PDF आप डाउनलोड करा सकते हैं और अपने स्टडी मटेरियल को वीडियो के साथ मैच कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कि हमें मैथ्स में हम बात करें तो 11th मैथ्स में डिलीटेड कंटेंट फॉर द सेशन 2020-21 जो आया है, वहाँ पर 3 chapters अब इन्होंने डिलीट किए हैं. चैप्टर नंबर एट बायनोमियल थ्योरम, चैप्टर नंबर 14 लॉजिकल रीजनिंग, और चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ द लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट. सो या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो नाउ वी विल डिस्कस टुडे जस्ट चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द फंक्शन. तो गाइस, टुडे वी डोंट डिस्कस अबाउट आवर कंटेंट वी डिस्कस अबाउट इन द प्रीवियस क्लास बट वी हैव स्टडीड ड्यूरिंग 10th. तो हमने एक ग्राफ प्लॉट करना सीखा था. आपके क्लास टीचर ने, आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको बताया होगा हाउ वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ ए लाइन. तो लाइन का जब ग्राफ ड्रॉ किया था, सपोज एक लाइन है आपके पास y = x + 3, दिस इज द लाइन. एग्जैक्टली, इज इट लाइन? यस. नाउ हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन. इस लाइन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो गाइज, सबसे पहले आपको समझना है कि इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉइंग करनी है. तो हमने 10th क्लास में आपको कहा था, यू जस्ट ड्रॉ द कार्टिशियन प्लेन फर्स्ट, नंबर वन, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस दैट इज ओरिजिन विच इज डिनोटेड बाई ओ. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स एक्सिस. दिस वर्टिकल लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई एक्सिस. नेक्स्ट, अब हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके सब्जेक्ट टीचर ने अर्लियर क्लास में कहा होगा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, वी जस्ट प्लेस x = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो y क्या आएगा? x + 3,
एक्स को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो कितना आ गया, वाई इज थ्री। इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो जीरो कोमा थ्री, राइट है। फर्स्ट विल बी नोन एज एब्सिसा, सेकंड विल बी नोन एज ऑर्डिनेट, एंड दिस टोटल इज नोन एज कोऑर्डिनेट। नाउ गाइस अगेन सेकंड पॉइंट वी विल कंसीडर वाई इक्वल जीरो एंड फाइंड एक्स, तो जीरो वाई इक्वल एक्स प्लस थ्री इज द इक्वेशन, तो जीरो इक्वल एक्स प्लस थ्री और फ्रॉम वेयर यू एक्स गेट दैट इज एक्स इक्वल माइनस थ्री। सो नाउ द कोऑर्डिनेट इज, कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स इज माइनस थ्री और वाई इज जीरो। नाउ वी विल मेक ए टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म हम इसकी बनाएं तो क्या बनेगी टेबुलर फॉर्म, दिस इज द टेबुलर फॉर्म, राइट, हेयर इज एक्स, हेयर इज वाई। नाउ एक्स वैल्यू देर इज जीरो, वाई वैल्यू वी आर गेटिंग थ्री इन द फर्स्ट, सेकेंड एक्स इज माइनस थ्री एंड वाई इज जीरो। स्टूडेंट्स अब आप ये कहेंगे कि सर आपने ये टू पॉइंट्स ही क्यों चूज किए, तो यहाँ भी आपके पास एक आंसर होना चाहिए वाई वी विल टेक दिस टू पॉइंट एक्सैक्टली। रीजन इज ओनली एंड ओनली दैट इन दोनों पॉइंटों को जब आप लेते हो तो ग्राफ का एक्सिस पर आपका क्या होता है, इंटरसेक्शन मिलता है, तो ग्राफ की जो लोकेशन होता है, ग्राफ का जो रीजन होता है वो बनाना ईजी हो जाता है। वेन एवर द ग्राफ मीट टू द एक्सिस दैट इज टू बी इन योर माइंड। तो हमने इन दोनों पॉइंटों को चूज इसी वजह से किया है कि हमें ग्राफ का एक एग्जैक्टली पोर्शन विच इज टू बी ऑन द एक्सिस और इन ए प्लेन, वॉट आर दैट इज क्लियर। नाउ अब आपने पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, तो पॉइंट्स जब आपके पास आ गए, कोऑर्डिनेट आप गए आगे, तो अब क्या करोगे, स्केल कंसिडर करनी होगी आपको, ऑन बोथ एक्सिस यू जस्ट कंसिडर द स्केल, बोथ एक्सिस पे आप स्केल कंसिडर करेंगे। अब तो क्या करेंगे, स्केल किस तरह से कंसिडर की जाती है, आपको एक्स वैल्यूज को जज करना है कि मेरी एक्स वैल्यू क्या क्या है, देर आफ्टर जज द वैल्यूज ऑफ वाई की वाई वैल्यूज क्या क्या है, अकॉर्डिंगली ऑन ग्राफ पेपर वी विल जस्टिफाइड दैट वेदर द स्केल शुड बी लाइक दैट। तो हम यहाँ बात करें तो हम कहते हैं एक्स वैल्यूज आर लाइक दिस, जीरो माइनस थ्री माइनस सिक्स लाइक दैट, और सेम वाई वैल्यूज आर थ्री जीरो लाइक दैट। इट मीन्स क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे अगर हम स्केल की बात करें, स्केल ऑन एक्स एक्सिस तो क्या लेंगे, वन स्क्वायर, वो किसके इक्वल लिखेंगे, वन स्क्वायर थ्री यूनिट्स के इक्वल लिख दें वेदर, और सेम ऑन वाई एक्सिस वन स्क्वायर इक्वल अगेन थ्री यूनिट। बोथ एक्सिस पे आपने स्केल एज्यूम कर ली, अगर आपकी वैल्यूज में कोई भी मीटर सेंटीमीटर, इफ दिस डायमेंशन इज टू बी नॉट देयर, इन केस वी विल टेक दैट इज ए इन फॉर्म ऑफ यूनिट। नाउ कंसीडर देम एंड प्लॉट देम, सपोज द स्क्वायर इज ऑन ग्राफ पेपर इज देयर, देयर इज पॉजिटिव थ्री, देयर इज नेगेटिव थ्री, सेम डिस्टेंस, सेम ऑन वाई प्लस थ्री इज देयर, राइट। नाउ स्टार्ट ग्राफ, व्हेन एवर एक्स इज जीरो वाई इज थ्री, एक्स इज जीरो वाई इज थ्री, दिस इज द पॉइंट इज ए एंड दैट्स कोऑर्डिनेट इज, क्या हुए कोऑर्डिनेट, जीरो कॉमा थ्री। नाउ कम ऑन पॉइंट नंबर टू, व्हेन एवर एक्स इज माइनस थ्री वाई इज जीरो, दिस इज द पॉइंट, दिस द पॉइंट बी एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज माइनस थ्री कॉमा जीरो। नाउ जॉइन ए एंड बी, यहाँ पे ए और बी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइनिंग के बाद क्या कर रहा है, इस ग्राफ की जो ये आपने लाइन सेगमेंट दिखा रखा है, इसकी लाइन को एक्सटेंड कर दे ऑन द बोथ एंड, दोनों एंड से इसको क्या कर दे, अब एक्सटेंड कर दे। इट मीन्स एक्स की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आप लेंगे तो वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको यू विल गेट ऑन द ग्राफ पेपर, सेम इन द डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स वैल्यूज इज टू बी टेकन, देन यू आर गेटिंग वाई वैल्यूज इन द डिफरेंट डिफरेंट वाई वैल्यूज। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल एक्स प्लस थ्री। नाउ गाइस अब इस ग्राफ को अगर हम एग्जामिन करते हैं, तो मैंने कहा बोथ एंड यू जस्ट प्लेस द एरो हेड इज रिप्रेजेंटेड दैट दिस ग्राफ इज टू बी, दिस एक्स इक्वेशन ऑफ लाइन इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन ए ग्राफिकल मैनर एंड इट कैन एक्सटेंडेड अप टू एनी लिमिट इन बोथ साइड, राइट। देयर आफ्टर राइट द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑन द लाइन,
तो यहाँ पर आपको अपनी इक्वेशन भी राइट करनी है। नेक्स्ट पोजीशन, अब हम इस ग्राफ पे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि एक्स की क्या क्या वैल्यू आप ले सकते हैं, एक्स की क्या क्या वैल्यू आप ले सकते हैं, व्हाट आर द एक्स वैल्यूज टू बी टेकन फॉर प्लॉटिंग दिस ग्राफ। तो क्या क्या ले सकते हैं, ये एक्स जो है एक्सिस दैट इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन, और नंबर लाइन विच मीन्स द कैपिटल आर, दैट इज द रियल नंबर्स, कैपिटल आर क्या है, रियल नंबर्स है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इज रियल नंबर। और रियल नंबर कौन सी नंबर है, ऐसी नंबर दैट कंसिस्ट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, और वी कैन से ऑल नंबर्स, राइट। तो जब इतनी सारी नंबर्स जो कि इस नंबर लाइन पर है उनमें से आप किसी को भी ले सकते हो, तो एक्स क्या हुआ, कैपिटल आर। और कैपिटल आर को हम क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो एक्स की वैल्यूज क्या हुई, यहां से यहां तक आप कुछ भी लिख सकते हो, एनी वैल्यू कैन यू टेक फॉर प्लेसिंग एट द पोजिशन ऑफ एक्स, देयर आफ्टर यू विल गेटिंग द वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स की जो वैल्यूज आपने चूज करी, दीज आर नोन एज, इन एक्स वैल्यूज को क्या कहा जाता है, वैल्यूज ऑफ एक्स इज नोन एज डोमेन, क्या कहते हैं इनको, डोमेन। अब हम ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम कहेंगे कि कोई फंक्शन आपको डिफाइन होता है वो भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है ये भी दिया हुआ होगा, तो उसमें डोमेन क्या होगा, उसमें आगे का पार्ट क्या होगा, लेटर ऑन वी विल डिस्कस। अभी हमने क्या कहा, द एक्स वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन इज नोन एज डोमेन। और जो एक्स की वैल्यू पर अब वाई कैलकुलेट करोगे, द वैल्यू ऑफ वाई इज, वो क्या होंगी, रेंज, राइट है। अब फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा वो एक अलग पार्ट होगा जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको पता लगा कि एक्स की वैल्यूज हमें क्या क्या लेनी है, राइट। तो हमने कहा आपकी मर्जी जो लीजिए, यू जस्ट टेक एज पर योर विल, दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज द एक्स एक्सिस, सो दिस एक्स इज टू बी टेकन वेन एवर इट इज नॉट डिफाइंड इन द क्वेश्चन, सो यू कैन टेक एज पर योर विल, दैट इज टू बी बिलोंग्स टू द कैपिटल आर। तो एक्स क्या हो गया, डोमेन, तो डोमेन क्या हो गया, कैपिटल आर। अब उस डोमेन में जब आप वाई कैलकुलेट करते हो, जब आपने एक्स लिखा 1y आ गया 4, जब आप एक्स लिखा 2y आ गया 5, जब आपने एक्स लिखा -6 तो वाई आ गया -3, -5 लिखोगे -2 आ जाएगा, तो डिफरेंट वैल्यू यू आर गेटिंग। और जब आप एक्स -3 लिखोगे तो वाई 0 आ जाएगा, इट मीन्स डिफरेंट एक्स वैल्यूज आर यू आर गेटिंग द वाई वैल्यू दैट इज आर एग्जैक्टली डिफरेंट। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज कैपिटल आर, वेयर एज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो कैपिटल आर। नाउ अब कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं जो आपने वहाँ 7th चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने स्टडी की थी, अब हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जबकि ए का कोऑर्डिनेट है 0, 3 और बी का कोऑर्डिनेट है -3, 0, तो ए दैट्स कोऑर्डिनेट ए 0, 3 एंड बी दैट्स कोऑर्डिनेट इज -3, 0। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी विच इज डिफाइंड बाय ए बी, और वो कैसे डिफाइंड होती है, फॉर्मूला आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। अब एक्स टू कितना है, एक्स वन कितना है, ये एक्स टू है, ये एक्स वन है, दिस इज वाई टू, दिस इज वाई वन, इसको आप यहाँ प्लेस कर देंगे, प्लेस करेंगे तो देखो क्या आ गया, एक्स टू कितना -3, एक्स वन कितना 0, फिर अगले में लिखोगे वाई टू कितना 0, वाई वन कितना 3, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया √9 + 9 √18, जिसको आप क्या लिख सकते हो 3√2 यूनिट। ये आ गई डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। अब आपको कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन, जो अभी बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था, जो आपकी SQP जो दी गई थी उसमें पूछा गया था, वन ऑफ द क्वेश्चन इज देयर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से जब किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी होती तो आपको फॉर्मूला पता था, डिस्टेंस
ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो अब स्टूडेंट्स को यहाँ कन्फ्यूजन क्या था, वो कन्फ्यूजन ये है कि दूसरा पॉइंट ही नहीं दिया गया और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है व्हेन एवर द पॉइंट इज ओरिजिन देन इट इज नॉट नीड टू मेंशन दैट इट इज जीरो जीरो, इट शुड बी अंडरस्टूड ए स्टूडेंट दिस इज नोन एज जीरो कोमा जीरो। तो यही तो आपसे जानना चाह रहा है कि आपको ओरिजिन का मीनिंग भी पता है या नहीं पता। तो ओरिजिन इज टू बी टेकन जीरो कोमा जीरो, तो नाउ डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सपोज ये कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास जीरो कोमा थ्री, इसकी डिस्टेंस किससे निकालनी है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या हो जाएगा, अब ये पॉइंट आप जीरो जीरो ले लो, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, नई फॉर्मूला लगा दो, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पॉइंट क्या है उसका स्क्वायर होगा, सम कर दो, इट मीन्स कितना आ गया नाइन, और नाइन का रूट कितना आ गया थ्री यूनिट। अगेन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू ओ दैट इज रूट थ्री। अब सेकेंड पार्ट आपसे कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ओ, ठीक है ये ए की थी, अब बी की पूछ रहा है ओ से डिस्टेंस कितनी होगी, तो बी की डिस्टेंस अगर ओ से निकालोगे तो वो कितनी आएगी, अगेन थ्री यूनिट, बिकॉज माइनस थ्री कोमा जीरो इज द पॉइंट, तो माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो गया नाइन, जीरो का स्क्वायर कितना हो गया जीरो, ऐड करो नाइन, रूट लो, अगेन थ्री, तो डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन दैट इज ऑल्सो थ्री यूनिट। तो क्या क्या कैलकुलेट कर लिया आपने, ओ बी थ्री यूनिट, ओ ए थ्री यूनिट, राइट, और ए बी आपने कैलकुलेट कर लिया थ्री रूट टू यूनिट। यहाँ तक आ गए। अब आपसे कहा जाता है बताओ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी या ए ओ बी, तो कितना होगा हाफ बेस हाइट, ठीक है ये 90 हाइपोटेनस हो गया, इट मीन्स हाफ ओ बी इंटू ओ ए, हाफ ओ बी कितना है थ्री, ओ ए कितना है थ्री, तो 9 बाई टू स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर कैसे आया, ओ बी इज थ्री यूनिट, ओ ए इज थ्री यूनिट, यूनिट एंड यूनिट दैट इज द यूनिट स्क्वायर विच इज नोन एज स्क्वायर यूनिट, तो दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब आपसे कहा जाता है चेक दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, इज इट राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या थी कि दिस ट्राइंगल फॉलोज द पाइथागोरस थ्योरम, इफ इट फॉलोज देन इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, तो स्टेटमेंट ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम इज स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वलेंट टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, इफ इट इज फॉलोज देन द गिवन ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड द गिवन वर्टेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज टू बी ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल वर्टेक्सेस। नाउ एक साइड आपके पास थ्री है, एक साइड आपके पास थ्री है, एक साइड आपके पास थ्री रूट टू है, हम कह रहे हैं थ्री का स्क्वायर करो, दूसरी का भी स्क्वायर करो, तो हमने थ्योरम क्या कही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड दैट इज इक्वलेंट टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, इफ इट इज चेक कर लो नाइन प्लस नाइन उधर एटीन, एटीन इक्वल एटीन, इट मीन्स दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड से आपने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया, तो आपको एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट मैनर से आपको रीचिंग करनी है, प्रॉपरली आपको समझना है और फिर करना है। अब कहा जाता है कि एक लाइन यहाँ पर आपने कहा कि एक अनादर लाइन है, लाइन सेगमेंट है विच डिवाइड दिस ए बी इंटू रेशियो वन इज टू टू, तो जो डिवाइड कर रही है तो इस डिवीजन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डिवीजन। तो अभी आप इसको कोई नेमिंग दे सकते हैं, आपने ए बी दे रखा सी दे दो, सी के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला यू हैव हर्ड इन द क्लास टेंथ क्या था, इसको इधर प्रोडक्ट करोगे इसको इधर प्रोडक्ट करोगे, सेक्शन फॉर्मूला लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट कर लो, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या लेट करें एक्स कोमा वाई। अब फॉर्मूला क्या कहता है एक्स इक्वल वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू माइनस
थ्री ओवर वन प्लस टू, सेम वाई में चलाओगे वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू ज़ीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस टू, सिंप्लीफाइड करोगे दिस इज़ ज़ीरो दिस इज़ माइनस सिक्स ओवर थ्री कितना आ गया माइनस टू, यहाँ कितना आ गया थ्री अपॉन थ्री इट मीन्स वन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट सी दैट इज क्या हो गया माइनस टू कॉमा वन। स्टूडेंट्स यू जस्ट गो थ्रू विद इट एंड प्रॉपरली सॉल्व इन ए सेम फिगर वी हैव डिस्कस ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर देयर बट दैट शुड बी स्पेसिफाइड। फर्स्ट वी अंडरस्टूड वट इज टू बी वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द प्लान, वी जस्ट डू इट। वट इज द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन, वेदर आस्क अबाउट द थिंग एग्जैक्टली अंडरस्टूड वट एम आई इज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द क्वेश्चन एंड वाट द क्वेश्चन इज बींग आस्किंग टू यू। नाउ नेक्स्ट अगर हम पार्ट पे चलें तो आपको ये प्रॉपरली अब समझना है कि मैंने आपको ये एक सिंपल ज्योमेट्री जो कि आपकी क्लास टेंथ की थी उसके बिहाफ पर एक वर्क को एक जनरल एक्सप्लेनेशन दिया है कि आप अपने प्रीवियस वर्क को रिकॉल करें। सबसे पहले हमें ग्राफिक्स को प्लॉट करना आना चाहिए क्योंकि ग्राफ हमें सिखाता है कि क्या क्या चीज़ें इस फंक्शन की लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हम इस ग्राफ से सीख सकते हैं। हमें पता लगता है कि ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, वेयर इट कट द वाई एक्सिस, तो क्या कहोगे थ्री यूनिट पे कट करेगा। दिस ग्राफ इज टू बी इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस एट थ्री यूनिट, और वी कैन से इंटरसेप्शन ऑफ दिस ग्राफ ऑन वाई एक्सिस दैट इज थ्री यूनिट। और क्या कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये दोनों एंड पे एक्सटेंड हो सकता है, तो स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्लेस कर सकता है और ग्राफ को जितना चाहे प्रोड्यूस कर सकता है। पर सर्टेन पॉइंट दैट वी हैव टेल इन आवर वीडियो वन इज टू बी टेकन एक्स इक्वल जीरो, अदर इज टू बी टेकन वाई इक्वल जीरो, वैन आवर एक्स इज जीरो कैलकुलेट वाई, वैन आवर वाई इज जीरो कैलकुलेट एक्स। दीज टू पॉइंट वी शुड रिक्वायर्ड बिकॉज दीज टू पॉइंट डिटरमाइन द शेप ऑफ द ग्राफ एंड ऑल्सो इंटीमेट अस द वेयर इट मीट टू द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। ये चीज़ें आपको माइन्यूट थिंग्स है जो आपको अपने माइंड में वेरी क्लियर रखनी है और साथ में कंसेप्ट जो क्वेश्चन का है उसको आपको प्रॉपरली समझना है, प्रॉपरली समझ के उसके अकॉर्डिंग उस वर्क को करना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि आपने कहा यहाँ सेक्शन फॉर्मूला भी आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर आपने ओरिजिन की डिस्टेंस भी निकाल दी। अब आपको पूछ लिया जाता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ओ, राइट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ओरिजिन, राइट। अब आपको फिर क्या देखना है, सी के कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, तो सी के कोऑर्डिनेट आपने कैलकुलेट किए थे अभी, क्या आए थे कोऑर्डिनेट आपके, एक बार दोबारा कर लो, वन और टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री तो एक आ गया था आपका माइनस टू, ठीक है, और सेकंड में आ गया था वन जीरो थ्री प्लस जीरो, तो ये हो गया था वन। ये कोऑर्डिनेट आपके सी के कोऑर्डिनेट्स आए थे, राइट है ना, वन और माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला आपके पास ही है, क्या हो जाएगा पॉइंट का स्क्वायर करना आपको, तो सीधा सीधा कितना आ गया फोर प्लस वन रूट फाइव यूनिट, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ओ सी, क्लियर है। ये आपको पहले प्रॉपरली समझना है और अभी आपको जनरलाइज एक वर्क दिया गया है कि अभी अपने टेंथ की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी थी क्वाड्रेंट्स में आपने पॉइंट्स को लाई करना देखा था, अकॉर्डिंगली प्लॉट द ग्राफ मैट देम, वेदर लेंथ आपने कैलकुलेट की थी, देखा था कि जो वर्टिक्सेस दिए गए हैं वेदर वो आइसोसेल ट्राइंगल के हैं राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं या फिर आपका स्केलिन ट्राइंगल के हैं, या फिर आपने देखा था कि ये रोम्बस के हैं या ये रेक्टेंगल के हैं या ये स्क्वायर के हैं। एज पर देयर डेफिनेशन यू जस्ट प्रूव दैट दे आर टू बी एग्जैक्टली वर्टेक्स ऑफ दिस कन्फिग्रेशन। तो गाइज टुडे दस दिस इज जनरल डिस्कशन रिगार्डिंग ग्राफ,
Tomorrow, in next class, we will discuss on our work, class 11, graphical study of the function. So first be prepared, make your separate notebook for this subject, and whatever is to be stated into the video, you just all will be write in your notebook and solve the work whatever is given during lecture. Again, I will hope that all you are selecting this subject. This is very interesting. It should be very interesting for all of you. And with this enthusiasm, you just select this subject. This is to be maintained for whole time. So this credit goes to you. Again, thank you very much.